कलाकार या कलंकार सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बुलावांगे हरियाणा के जाने माने हुए खुद ने समझने वाले कलाकार ने और उनसे बात करके पता करांगे कि वे कलाकार हैं अब कलंकार हैं। तो इस सीरीज में जो पहली बार हमारे साथ आए हैं उनका नाम है बीसी टुच्चा। युग किसान नाम है। चलो जो पहली बार आए हैं उनका नाम है बीसी टुच्चा जी। वीडियो आया फोटो बनी। आई हैव फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। या एक तो हरियाणा में बोल यू हरियाणा है लंदन कोनी भाई सभी लंदन कड़े ही है। अरे उचाना था बराने अगली एल्बम ओड़े करांगे लंदन की सॉरी। तो बीसी टुच्चा जी भाई साहब नाम थोड़ा सही डाल दे ले बीसी टुच्चा द स्टार। अच्छा तो स्टार बीसी टुच्चा जी अपनी एल्बम्स के बारे में कुछ बताइए। देखो मैं बताना चाहूंगा मेरी ऐसी ऐसी एल्बम आई है मार्केट के अंदर उन्होंने कोहराम मचा रखा है। अच्छा तहलका मचा रखा है। अच्छा धूम मचा रखी है। मेरी एल्बम का नाम है पड़ोस में गड़ासा। बिकाऊ है। अरे गंडासा बिकाऊ है के मतलब कोई बागे जीरी है कट लगी पराली का सीजन है खूब पराली कुटी और पिया कमाई। भाई साहब ये मेरी एल्बम का नाम है। दूसरी एल्बम सुनाओ। पड़ोस में गंडासा एल्बम का नाम है। हाँ अच्छा दूसरी भी आई है सैंडविच के बारे में पटाखा बजना नहीं मतलब पटाखा कौन सा मुर्गा छाप बम आंडी फोड़ बम सुतलिया बम कौन सा पटाखा। भाई साहब आप समझे नहीं ये मेरी एल्बम के नाम है ये भी एल्बम के नाम हाँ। है अच्छा और भी है बटोड़े माजा मार गंडासा मार दिए रे मार दिए कसुत्ता पीस कसुत्ता पीस। और एक लेटेस्ट है गांव का पटोला गांव का पटोला गांव का पटोला एल्बम है बहुत बढ़िया एल्बम है। वैसे पड़ोस में गंडासा एल्बम आपकी आई थी तो आपका पड़ोस में किसका अगर आपका काका का कथा होगा आप सिर्फ खाली टाइटल पे ध्यान दो गहराई में मत जाओ। ठीक बात और शामिल सबारा में पटाका कौन है आपकी काकी पावगी चाहे बुआ। आपको मैंने बोला है कि टाइटल पे ध्यान दो गहराई में मत जाओ। ना ना गहराई में जाना जब मैं बेबे कैसे उधर आपकी बेबे को ना भाई साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हो बेइज्जती। हाँ और हमें हाँ और आपकी हाँ कद्दे भी नहीं यार जिसका नाम में बीसी टुच्चा हो गया उसकी हमें की बेइज्जती करा। हाँ आप थोड़ा ठीक है जी बिल्कुल आप स्टेज शो करते हैं। बिल्कुल करते हैं अभी थोड़े दिन पहले मेरा दिल्ली में प्रोग्राम था। दिल्ली में जमा दिल्ली का भाग देता है बस्ती सपूर बस्ती सारी कवर करी यहाँ पर सदैव बस्ती और सपूर बस्ती में प्रोग्राम। हाँ ठीक और अपने हरियाणवी कलाकारी के गढ़ रोहतक कल मतलब रोहतक में प्रोग्राम किया है रोहतक कलाक दी सुनारिया जिले में भी किया है। ठीक है और अपने बम बम क्या नाम था उसका बम मुंबई आपने मुंबई में प्रोग्राम किया है उसका नाम बम्बई वाह का प्रोग्राम करा तो यार कंपनी ने करवा रखा था तबे वाह। और एक आपका पड़ोस में भी करा है द्रोदी गौशाला में। और मतलब द्रोदी गौशाला में जो प्रोग्राम उसमें आप आए हुए थे बिल्कुल मैं भी को मैंने को देखा है या ये आप स्टेज पे गा रहे थे बिल्कुल अरे ये स्टेज पे गा रहे थे और मतलब आपका माथा में गड़ा लग गया था और फिर रेता का एक टोपा आया था घूम गया ठीक और पब्लिक ने रेता के जोड़िए दिए थे। हाँ मैंने देखा था आपको बिल्कुल देखा था क्या बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। तो वो देखो वो फैन लोगों का मेरे लिए प्यार प्यार वो पता नहीं किस तरीके से बरसता है वो फैन लोग ही जानते नहीं वो तो बरसने था तो उड़ा था सर बहुत गुंडे
बहुत प्यार है। हाँ हाँ ठीक है। ध्रुव दी में तो कोई अवार्ड फंक्शन था नहीं? हाँ अवार्ड फंक्शन था, थोड़े दिन पहले एक कंपनी ने मेरे को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया। कितने रुपये में? क्या उनसे में मतलब अच्छी घटी क्या उनसे की? तो आज कल भी आप ये छोटे मोटे स्टेज शो करते हो? ना ना अब मैंने छोटे मोटे स्टेज शो करने छोड़ दी, मैंने अपना लेवल अब बहुत ऊंचा कर लिया, बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं। ओके हेलो बीसी टूचा हियर। हाँ राम राम दादा। हाँ जागरण। हाँ कड़ा। अच्छा ले ले दादा गण खुशी से 23 में नहीं 25 में बात है जमा खुशी से नहीं थोड़ी नहीं। हाँ हाँ मजाकियाँ रही गर्मी में लटका है तुम प्रोग्राम तो आए बस गर्मी को उसकी चल रही। हाँ 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 अरे एक बात हो दादा 4 बजे तो नहीं आऊँगा 3:30 बजे तो नहीं आऊँगा बस उस तक तो करूँ ठीक है थक गई तो साइकिल ले लिया दादा। आप जागरण भी करते हैं? हम जागरण करते हैं, एल्बम काटते हैं, वीडियो काटते हैं, झांकी काटते हैं, कुछ टाइम पर लेकर कैमरा भी काटते हैं। और ये भी देखिए ना हमने हरियाणवी गानों का लेवल कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ वो तो दिख ही रहा है आपने हरियाणवी गाने का लेवल कहां से और कहां पहुंचा दिया। मतलब पहले ब्याह में गीत चाले करते अरे बीरा एक बैगेरा में जाइए अरे बाबुल की धीर बधाइए अरे उन्हें रो रो सुजा ली आंख लाडो तो मेरी डिगर जागी। कितनी मार्मिकता है गीत गाने में। और आजकल के गाने आपके माशाल्लाह क्या बात है ना सारा गांव और ऐसे तेरी बहन का रोला जब बोल दिए मेरे साले ने तेरा जीजा तड़का हुआ तुए भाईये गोरी रे तेरा यार खड़ा पावा यार खड़ा पावा है तूने एक मैं बोल लिया कर मैं तेरी बुआ का बू हूं ये जे है ना आपके जो फोक सॉन्ग है हमने उसको पॉप बनाया है पॉप तो भाई या थी कोशिश आईना दिखाने की उन कलाकार जो हरियाणवी का नाम पर समाज में कुछ भी गंदा पोषण लग रही है और सारे हरियाणवी कलाकार तुम्हारी हाथ जोड़ते भी ना बिनती है बिनती है कि मतलब जितना भी गंदा अरे फूड था फैलाना रह गया इसको फुल स्टॉप लाओ बंद कर दे भाई बंद कर दो। हाँ और आपने भी अगर यार बढ़िया बढ़िया हरियाणवी गाने और रागनी सुननी है तो रेडियो कसूत की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। राम राम, राम, राम।